अस्सलामुअलैकुम तमाम वीडियो देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलामुअलैकुम मेरी तरफ से। तो आज हम लोग आए हुए हैं जी सैफल पे और आप लोगों को सैफल का मेरे सोचते हैं वीडियो दिखाई जाए। ये तरीके एक मंजर है आप लोगों को दिखाने के लिए आए हुए हैं इधर, तो दिखाते हैं आप लोगों को सैफल और साथ ही इसकी हिस्ट्री बताते हैं आप लोगों को ये कब बनी है, कब से ये अभी चल रही है, तो किन लोगों ने बनाई है सारा आप लोगों को बताते हैं आज हम लोगों को सैफल का और आप लोगों को सैफल भी दिखाते हैं। तो कैमरा मैन को मैं बोलता हूँ अभी आप लोगों को दिखाते हैं, दिखाओ जी थोड़ा सैफल। कहा जाता है ये बच्चों के दोस्तों का है, बच्चों में आप लोगों ने भी इस सैफल को देखा होगा, मैंने भी देखा बच्चों तो ये तब तो बहुत अच्छा पानी होता था, साफ था पूरा, तो ये चटके वगैरह बन चुके हैं सैफल, तो सारा पानी उठी का आ रहा है, ये तो बहुत गंदा हो चुका है, नहीं तो पहले इतना साफ पानी होता था कि जैसे ये शीशा होता है शीशे की तरह पानी होता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक इतनी मजबूत है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फुल मजबूत है, क्योंकि अभी पाकिस्तान का तो आप लोगों को पता ही है, पाकिस्तान की बनाई हुई जो इतनी मजबूत नहीं हो सकती, अंग्रेजों लोगों ने बनाई हुई है। और ये आप लोग देख सकते हैं इस तरफ, ये देख सकते हैं आप ऊपर से ये बैक गुजर रही है, इस बैक कहा जाता है और ये बैक गुजर रही है आप लोगों को दिखाते हैं, ये कहा जाता है ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी ये, और अभी आप लोग देख सकते हैं गाड़ा तो देख ही सकते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा है इसका। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, उसकी तो इतना गंदा पानी हो गया है, सफाई वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो पहले बहुत अच्छी ये होती थी, और आप लोगों को दिखाते हैं ये इस कदर खूबसूरत है, तो आप लोग देखोगे हैरान हो जाओगे। अभी तो ये कहा जाता है कि इधर से गुजरना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर हादसे वगैरह बहुत ज़्यादा पेश आते हैं, और ये जो है इसका एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी हर साल की साल इसको ऐसे कि जब भी साल आता है ना, तो इसमें से लाजिम एक ना एक जान तो ये लाजिम लेती है। तो ये अभी पिछले साल भी इधर हादसा हुआ है, उससे पीछे वाले भी साल में हादसा हुआ है, ये हर साल इधर कोई ना कोई हादसा लाजिम होता है। तो अभी ये घूमने वाली जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग ये भी कहेंगे कि जितना हो सके कोशिश करें आप लोग ना है तो तब भी अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि जी ये हर साल जान लेती है लाजिम, तो इसलिए। तो बाकी जगह तो बहुत खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सारी जगह। तो थोड़ा मैं कैमरा मैन को बोलता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाएं, इस पर थोड़ा सा आप व्यू दिखाएँ जी।
अभी आप लोगों को दिखाया था ऊपर का नज़ारा भी हम लोग दिखा चुके हैं, और अभी आप लोग देख सकते हैं ये नीचे का भी नज़ारा है, ये अभी नीचे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं सैफल का। तो जब पानी आता है, कहा जाता है कि जब ये पानी आता है तो आप लोग देख सकते हैं कि निशान आप लोगों को भी नज़र आ रहा है, वो देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक हुआ। इतनी हाइट पर पानी होता है और ये थोड़ा कम है हाइट में, क्योंकि ऊपर से ऐप गुजर रही है, तो पानी का प्रेशर इतना तेज़ होता है जिस वजह से ज़्यादा होती है जाती है। और अक्सर बच्चे जो है ना वालदैन नहीं बना करते हैं, उन लोगों को वालदैन से गुजारिश है कि बच्चों को रोका जाए जितना रोक सकते हैं इधर नहाने से। और बच्चे इधर आते हैं नहाते हैं, इधर से छलांगे लगाते हैं, ऊपर से छलांगे वगैरह लगाते हैं, तो जिस वजह से हादसा वगैरह पेश आ जाता है, पानी का प्रेशर इतना होता है बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते। और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हाइट भी है, देख सकते हैं आप लोग इतनी ज़्यादा है। तो सारी बातें इतने तेज़ प्रेशर में आदमी कब तक बर्दाश्त कर सकता है, तो इसलिए फिर ज़्यादा जान जाने का नुकसान होता है। तो हम लोग यही गुजारिश करेंगे वालदैन से भी कि अपने बच्चों को रोकें जितना हो सकता है खुदाया, कि ऐसे पानी में खुले पानी में नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा कुटूबल वगैरह में नहा लें वो अच्छा होता है, जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसी साथ आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो अभी बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सूखी हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नहर बिल्कुल नहर सूखी हुई है, इसलिए हम लोग भी इधर आए हुए हैं। जब ये चल रही हो तब इधर बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ भी होती है पानी की प्रेशर की वजह से, तो इसलिए हम लोग अभी आए हुए हैं। तो आप लोग भी जब आप लोगों का मन करें इधर आने का, देखने का, घूमने का, तो गुजारिश यही करें कि तब ही आए जब ये बिल्कुल सूखी। सकते हैं जी आप लोगों को कितनी चोरी, ये देख सकते हैं ये दीवार है बिल्कुल है, ये साइडों पे दीवार पड़ी हुई है जिसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, देख सकते हैं कितनी दीवार बनाई हुई है, कितनी चोरी रख लो उन लोगों ने बनाई हुई है दीवार, ये लोग आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोग बहुत शौक आप लोगों को नजर तो आ रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग देख रहे होंगे चीज़ें बनी हुई है, तो वो इन लोगों ने बनाई थी कि तब कोई चीज़ वगैरह आ जाए, अगर कोई ऐसे कोई भी कचरा वगैरह आ जाता है या किसी किस्म का कुछ भी हो तो वो उधर रुक सकता है, मतलब किसी जगह पे चोट लग जाती है ताकि वो आगे की तरफ नहीं जा सकता। और इधर से पानी बिल्कुल फिल्टर की तरह यूज़ किया जाता था उसको, वो फिल्टर के तौर पे यूज़ करने के लिए रखी हुई थी, तो इसलिए वो लोग उन लोगों ने बनाए थे, बहुत प्यारी करके उन लोगों ने बनाए थे, बनाए हुए आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत प्यारा मंजर है, और आप लोग आए जब ये नह ना हो बिल्कुल तब आप लोग आए आके इधर इंजॉय करें, और यही है कि बच्चों को ना लेकर आए जितना हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये रास्ता बहुत कम है और बच्चा गिर भी सकता है किसी, और बड़े लोग आप लोग आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस सैफल को। कहा जाता है जी ये 1955 में तमीर की गई थी, ये जो है ना 1955 में तमीर की गई थी, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है इसको तमीर किए हुए अभी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको कहा जाता है जी, नहर का नाम है जी रावी लिंक, रावी लिंक है जी, ये दरियाई रावी से जुड़ के आती है और इसका नाम है जी रावी लिंक नहर है इसको बोला जाता। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, तो ये जी आप लोग देख सकते हैं तरीके भी इसका लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग वो देख सकते हैं। करें लाइक करें फॉलो करें जितना हो सकता है शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपको और किसी तरीके की मंजर का दिखाएंगे इंशाल्लाह।